सबसे कहा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पीवी ट्रिप व्लॉग्स। और मेरा नाम है पंकज, मैं करता हूँ आपका स्वागत मेरे इस चैनल पे। इस एपिसोड में हम चालू करने वाले हैं अपनी जर्नी ईस्टल कोस्टल राइड की, जो चालू होने वाली है चेन्नई से और ख़त्म होगी त्रिवेंद्रम तक। तो 12 दिन के इस सफर में मैं जाऊँगा पूरे ईस्टल कोस्टल रोड पर ही ड्राइव करूँगा चेन्नई से त्रिवेंद्रम तक, और इसके बीच में आने वाले सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को, और आइए आप भी घूमिए मेरे साथ ये ईस्टल कोस्टल राइड। पिछले एपिसोड में आपने देखा था हमारा चेन्नई का पूरा ये ट्रिप, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डे 2 ऑफ आवर चेन्नई त्रिवेंद्रम राइड, जो कि हमारी ईस्टर्न कोस्टल राइड। अभी फिलहाल मैं चेन्नई में, और अभी समय हो रहा है सुबह के 11, और अब हम निकल रहे हैं चेन्नई से महाबलीपुरम की तरफ। सामान सारा हमने पीछे गाड़ियों में पूरा बांध दिया है, पैक कर दिया है, और बिल्कुल रेडी है यहाँ से निकलने के लिए। सबसे पहले जाएंगे यहाँ से महाबलीपुरम, वहाँ की फिर लोकल टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये जर्नी। ये भाई मेरा राइनक्स का नया बैग लेके आया है, और कहता है सबसे कम समय लगेगा। अब चेक किया जाए कि टाइम लगेगा या नहीं। 25 मिनट हुए हैं ऑलरेडी। आपको इतना समय क्यों लग रहा है? नया खर्चा किया है, महंगी चीज़ों में थोड़ा समय लगता है समझने में। नहीं, महंगी चीज़ों में तो समय कम लगना चाहिए, मेरे को जहाँ तक तजुर्बा है। तजुर्बा ये है कि अब जैसे BMW में गाड़ी लूंगा मेरी बात, और हेक्टर में तो पहले भी कम है, सूरत से कौन पहुँचेगी? अब ये बांधना है ना, अब रास्ते में लेगा नहीं मेरा, कुछ भी हो जाए अब देख लेंगे यार। वहाँ तो समय आ गया है अब चेन्नई को अलविदा कहने का, और अब हम निकल पड़े हैं महाबलीपुरम की तरफ। चेन्नई के हमारे होटल से महाबलीपुरम की दूरी थी करीब 65 किलोमीटर की। तो अभी हम बिल्कुल बीचों बीच हैं चेन्नई और महाबलीपुरम के। यहाँ से अभी 40 किलोमीटर और रह गया है महाबलीपुरम। और रोड्स की अगर मैं बात करूँ चेन्नई से महाबलीपुरम की, काफ़ी अच्छी और चौड़ी और शानदार रोड्स हैं, और बीच में आपको दिखने को मिलेंगे ये खूबसूरत नज़ारे। एक तरफ पूरे रास्ते आपके सी चलेगा, और रास्ते तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है इस रूट के। तो अब हम पहुंच गए हैं चेन्नई से महाबलीपुरम, और अब होटल में कर रहे हैं चेक इन, और होटल में चेक इन करने के बाद फिर हम चलेंगे यहाँ के लोकल टूरिस्ट पॉइंट को देखेंगे, और फिर एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के पॉइंट्स को। होटल में चेक इन करने के बाद अब हम वहाँ पहुंचे हैं महाबलीपुरम के इस फेमस शो टेम्पल में। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं महाबलीपुरम का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर शो टेम्पल, जो कि बहुत ही फेमस था अपने टाइम का, और बहुत ही बिजी स्पॉट हुआ करता था ये, क्योंकि इस टेम्पल को ही लैंडमार्क बनाया गया था। यूरोप से जितने भी ट्रेडर्स यहाँ भारत में आते थे, तो उनके लिए ये लैंडमार्क था कि हाँ, इसी मंदिर के पास हमें उतरना है, यहाँ यही पोर्ट है, यहाँ एक लैंडमार्क के रूप में इसको यूज़ करते थे। और ये जो मंदिर है, ये 728 AD में पल्लवा डायनेस्टी में राजा नरसिम्हा द्वारा बनाया गया था। तो अब हम पहुंच गए हैं महाबलीपुरम के इस दूसरे स्पॉट पे, जो कि है अर्जुन फिनेंसी। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पूरा है अर्जुन फिनेंस, इसमें एक केव भी है, और काफ़ी सुंदर
नक्काशी आप बोल सकते हो पत्थर पे की गई है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्लियरली सब कुछ। The balance of rock before the BD Sam real elephant saath aati girta nahi saath aati ke upar natural stone ye natural ye tika hua kis pe central gravity अब हम पहुंच गए हैं महाबलीपुरम के एक और टूरिस्ट पॉइंट पे जो कि है कृष्णा बटरबॉल। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये कृष्णा बटरबॉल है, कहा जाता है कि ये 250 टन का पत्थर है जो बिल्कुल इस तीर्थी ढलान पे खड़ा है, बिल्कुल भी नहीं फिसल रहा। और कहा जाता है कि सात हाथी अगर इसको मिलकर खींचे तो भी ये यहाँ से नहीं गिरेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जो अभी आपने देखा था अर्जुना स्पिनेंस, उसके पीछे ही है ये द्रौपदी बात। थोड़ा सा ऊपर चढ़ के आते हैं तो ये छोटा सा कुछ कुंड टाइप बना रखा है, कहते हैं कि द्रौपदी का बात लेने की जगह थी है। और इसमें अंदर द्रौपदी स्नान करती थी जब पांडव अपने अज्ञात राज के दौरान यहाँ इस गुफा में रहते थे, तब ये उनका स्नान ग्रह था। आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी रॉक को बीच में से काट कर एक कुंड का आकार दिया गया है। जब पांडव अपने अज्ञात राज के दौरान यहाँ महाबलीपुर में रहते थे तो इसी जगह पर वो इसी गुफा में वो रहते थे, और द्रौपदी का ये बाथिंग टब आप कह लो उस टाइम का यही था। जो आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं मंदिर, ये राजगोपुरम मंदिर है और ये विजय काल के दौरान बना गया मंदिर बताते हैं। पूरा कंस्ट्रक्टेड नहीं, हाफ कंस्ट्रक्टेड मंदिर है, और जो ये रॉक है रॉक के ऊपर काट के इसकी चौखट को बनाया गया है और उस पर नक्काशी की गई है। ये है गणेश रथ जो कि यहाँ का फेमस गणेश जी का मंदिर है। ये यहाँ की त्रिमूर्ति केव्स है जो कि भगवान विष्णु ब्रह्मा और शिव जी को डेडिकेटेड है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक ही रॉक में एक ही जगह पर पांच अलग अलग जानवरों की मूर्ति को यहाँ पर तराशा गया है। तो अभी हम पहुँच गए हैं महाबलीपुरम के एक और स्पॉट पे जो कि है फाइव रथास। ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं पांच रथ के आकार में कलाकृतियाँ बनी हुई है, जैसे कि पांच पांडव थे उनके नाम से इनका नाम है अर्जुन रथ, भीम रथ, पाँच पांडव के भाइयों के नाम से इन सबके नाम है। और ये जो भी पूरी कलाकृतियाँ ये पूरे एक ही पत्थर पे बनी हुई है, ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही पत्थर को तराश के ये सब कलाकृतियाँ जो आप देख रहे हैं बनाया गया है। और ये सब जो भी कलाकृतियाँ महाबलीपुरम में वो राजा पल्लव के टाइम की बनी हुई कलाकृतियाँ हैं, उन्होंने ही इन सब कलाकृतियों को बनवाया था। आप महाबलीपुरम में जिस भी तरफ जाएंगे आपको रोड स्पेस चारों तरफ ऐसी ही कलाकृतियाँ दिख जाएंगी। और 2019 में जब चाइना के राष्ट्रपति मिस्टर शी जिनपिंग जब भारत दौरे पर आए थे तब उनकी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से यहीं महाबलीपुरम के मॉन्यूमेंट्स में हुई थी, और महाबलीपुरम को मामल्लापुरम के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आ चुके हैं महाबलीपुरम से 5 किलोमीटर दूर इस टाइगर केव में, लेकिन फिलहाल ये बंद हो चुका है क्योंकि आने में हमें थोड़ा देरी हो गई थी। अब मैं मिलता हूँ आपसे कल सुबह।
सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डे 3। और अभी हैं हम महाबलीपुरम में और सुबह सुबह आ गए हैं महाबलीपुरम के इस खूबसूरत से बीच में। इस बीच का नाम भी महाबलीपुरम बीच है। हम सनराइज़ के टाइम तो नहीं आ सके लेकिन अभी भी सनराइज़ हो चुका है और लहरें इतनी ऊँची ऊँची उठ रही है, इतना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। शोर टेम्पल के पास में है बिल्कुल ये बीच कला, हमने शोर टेम्पल भी देखा था। और आप सुबह सुबह ले रहे हैं आनंद इस ठंडी ठंडी हवा के और इन ऊँची ऊँची लहरों की, इनकी आवाज़ सुनते ही मन को सुकून और शांति मिलती है। महाबलीपुरम बीच के पास आप सर्फिंग, बोटिंग और फिशिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा और भी छोटी मोटी वाटर एक्टिविटीज़ अवेलेबल है। महाबलीपुरम पहुंचने के लिए आप आसानी से चेन्नई पहुंचकर वहां से लोकल टैक्सी या बस से महाबलीपुरम पहुंच सकते हैं। चेन्नई से महाबलीपुरम की दूरी करीब 60 किलोमीटर की है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पीवी ट्रिप ब्लॉग्स को। और इसके बाद अब हम जाएंगे यहाँ से पांडिचेरी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ हम कवर करेंगे पूरे पांडिचेरी हमारे ट्रिप को। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।